फ्रेंड्स, मैं प्रवीत कुर संधु आज आपको बताने जा रही हूँ कि अगर मन करे जल्दी से कुछ बनाने का खाने का तो हम झटपट से सूखे दूध की बर्फ़ी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक गिलास दूध और एक कटोरी सूखा मिल्क और ये थोड़े से मगज और ये है एक बड़ा चम्मच सूजी का। इसको हम भून लेंगे। मैं इसमें इसको भून रही हूँ सूखा, इसमें घी नहीं डालना, बिना घी डाले इसको भूनना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सूजी को अच्छे से भून लिया है। और हाँ, इसमें मैं चीनी नहीं डालूंगी, इस बर्फी में मैं डालूंगी इसमें शक्कर गुड़ वाली। मैंने सूखे दूध और जो दूसरा दूध था उसको मिक्स कर लिया अच्छे से। इतना ध्यान रखें कि कोई गांठ ना बीच में हो। अच्छे से इनको मिक्स कर लीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता से इसको लाए, नीचे ना लगने पाए। इसमें आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी सैफरन। फ्लेवर के लिए अब इसमें डालूंगी ये जो रोस्ट की थी सूजी। इसको अच्छे से मिलाऊंगी। अब इसको थोड़ा ड्राई कर लेंगे और साथ में इसके डाल देंगे थोड़ी सी शक्कर, दो बड़े चम्मच शक्कर के। आस्ता आस्ता ड्राई हो रही है। इसमें थोड़ी सी मगज डाल देंगे और थोड़े से हम रख लेंगे बाद में ऊपर गार्निशिंग के लिए। ये बड़ी अच्छी बर्फी बनके तैयार होती है। इसको जैसे ये तो मैं 2-3 जनों के लिए बना रही हूँ, अगर ज़्यादा बनानी हो तो ज़्यादा भी बना सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा जस्ट एक चम्मच देसी घी का डालेंगे। बस हमारी बर्फी बनने ही वाली है। बस ये हमारा बर्फी का मटेरियल तैयार है। अब इस क्या करेंगे, एक प्लेट में घी लगाकर उसमें निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक प्लेट में निकाल ली है बर्फी। अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, तो उसके बाद मैं इसके पीस करके दिखाऊंगी आपको। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बर्फी तैयार है। तो अब मैं इसको पीसेस में काट लूँगी।
लीजिए फ्रेंड्स, हमारी स्वादिष्ट बर्फ़ी बनकर तैयार है। ये इसको बनने में सिर्फ 10 मिनट लगे हैं और थोड़ी देर जो फ्रिज में रखा है बस वो टाइम। तो इसके पीसेस बहुत अच्छे कटे हैं और स्वादिष्ट भी है। मेरे बच्चों ने टेस्ट की है, बोले बहुत टेस्टी है। तो आप भी बनाइए और खाइए। आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।